यही ठीक है। हम लोग यहाँ पर जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग भाई नौजवान मंच पे बैठे हुए सभी हमारे अपने परिवार के लोग हैं, सभी जिले के अपने लोग हैं, परिवार के लोग हैं। नाम आप लोग बखूबी जानते हैं, यही मेरे लिए काफी है कि आप सब हमारे परिवार के लोग हैं। हम लोग आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं मंच और माइक साझा करने के लिए नहीं, भाषण देने के लिए नहीं, हम लोग पंचायती चुनाव की तैयारी कैसे करें। पंचायती चुनाव इसलिए कह रहे हैं कि आप एक गांव, दूसरा गांव, तीसरा गांव, चौथा गांव, अगर आप सभी भाई बंधु नौजवान अपने अपने गांव, अपने अपने पंचायत में एक कमेटी बनाकर उसमें घूमकर लोगों की आवाज को लेकर हम तक पहुंचाएंगे बात, तो हम समझेंगे कि हम इस लायक अभी हैं कि नहीं है। हम लोग चुनाव में क्यों हारते हैं, इस पे मंथन करना जरूरी है ना। इस पे मंथन हम नहीं करेंगे, जो अपने घर के आंगन में बैठेंगे नहीं सब लोगों के साथ, तो बात कैसे बनेगी, कैसे निकलेगी, आपकी जिम्मेदारी आप खुद बताएंगे कि हमारी जिम्मेदारी ये रहेगी और फला की जिम्मेदारी ये रहेगी, ताकि हम लोग जिला के पंचायती चुनाव में जीते और कैसे वर्क करेंगे, कैसे अपने जिले को आगे बढ़ाएंगे, कैसे नौजवानों के सम्मान को आगे बढ़ाएंगे, हमारी महिलाओं, बच्चियों को, बुजुर्गों की सबको मान सम्मान को आगे लेकर चलना है। अगर आंगन आंगन में नहीं बैठक करेंगे, चौक चौराहों पर खेती बाड़ी के बीच में नहीं खेत खलिहान में बैठक करेंगे, नहीं बात करेंगे, तो फिर वही बात होगी कि ये आम सभा होता है और कुछ नहीं होता है। तो आम सभा नहीं करनी है, हम लोगों को दिल से जुड़कर खुद के लिए ये चुनाव जीतना है। आप किसी का नाम, किसी को बदनाम करना हमारा काम नहीं है। और नीला पीला झंडे की जो बात होती है, हमने एक बार कहा था, सिवान जिला हम सबका है। हम सबका के मतलब है कि हमारा हम सबका परिवार है, और उसमें कोई भी परिवार में छोटा बड़ा ऊंचा नीचा होता है बात, तो उसको दिल पे नहीं लिया जाता है, उसको मेल मिलाप करके चलने की कोशिश की जाती है। तो आप लोगों से आग्रह है कि हम हार के डर से नहीं सभा कर रहे हैं, हम जीतने के लिए ये कर रहे हैं कि आप सब लोग मिलकर लड़ें और जीतें। जब जीतेंगे तभी तो विकास करेंगे, और विकास जो है वो आप लोगों के ही हाथों से होगा। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, हम अकेले अपने घर में बस आराम कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं। काम करने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए। तो हम सभी लोगों से हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं कि आप लोग आपस में कमेटी बनाइए कि एक गांव की जिम्मेदारी लेंगे, एक पंचायत की लेंगे। मेरे भैया बाबू सभी लोगों से आग्रह है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा वक्त रोजाना निकालें और थोड़ा थोड़ा लोगों से मिलकर इस बात को रखें, फिर हम हमारे पास आए। तो ऐसा करने के लिए हम आप लोगों से दिल से फिर से हाथ जोड़ते हैं कि आप लोग दिल से इस काम में लग जाए। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने हम नहीं आए हैं, हम आप लोगों से बैठकर आप लोगों की बातों को सुनना था, लेकिन यहाँ मंच है और
हम लोग ही बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग कुछ नहीं कह पा रहे हैं, तो फिर हम आएंगे और आप लोगों के बीच में और आप लोगों की बात को सुनेंगे, फिर हम लोग रणनीति तैयार करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। चलिए चलिए, बोलिए
हाँ, एक बार हम अभी एक बार करेंगे, ठीक बात, करूँगा, ठीक